बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण विभाग के मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। सीधे तौर पर कहा है कि समाज कल्याण विभाग वह विभाग है जिसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे मामले सामने आए थे, उसके बाद से ही मंजू वर्मा और इनके पति की मुश्किलें बढ़ गई थी। लंबे समय से पुलिस उनकी तलाश कर रही है, हालांकि मामला न्यायालय में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में मामला था और अग्रिम जमानत की अपील दायर की गई थी, लेकिन आज उसे कोर्ट ने रद्द करते हुए अब मंजू वर्मा को के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो बढ़ गई है। पटना का यह आवास है, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यह वही सरकारी बंगला है जहाँ पे मंजू वर्मा रहती थी और समाज कल्याण विभाग का तमाम जो काम थे बिहार सरकार को वो किया करती थी। यह बंगला आज सन्नाटा है क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंजू वर्मा कहाँ है इसके बारे में जानकारी दे सके। सबसे अहम सवाल है कि मंजू वर्मा इस मकान में थी, कई बार अपने पति और अपने आप को लेकर सफाई दी थी, लेकिन अब इस मकान में वो नहीं है, नहीं वो अपने घर पे है और नहीं वो अपने ठिकाने पर। पुलिस लगातार उनके ठिकानों पे कई बार छापेमारी की है लेकिन मंजू वर्मा नहीं मिली है। सवाल बड़ा अहम है कि जो लोग कल तक सत्ता में थे, सरकार में थे, कानून की जिम्मेवारी जिनके कंधों पे थी, जो कानून के लिए बड़ी बड़ी सीख और नसीहत बिहार के तमाम लोगों को दिया करते थे, लेकिन जब कानून की तलवार उनके ऊपर खुद लटकी तो खुद कानून को तोड़ के वो नज़रबंद हैं, या यूँ कह दें कि वो सामने नहीं आ रही हैं, कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, या कानून की भाषा में यह कह दें कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और वह भागी हुई हैं। मुजफ्फरपुर कांड से सुर्खियों में आई मंजू वर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो बेगूसराय के उनके पैतृक आवास से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। जो कारतूस मिले वो कारतूस वो थे जिनको रखने की अनुमति नहीं है, यानी कि वो उनके लाइसेंस जो थे उनके पास मौजूद नहीं था। जाहिर तौर पर उसके बाद उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज हुआ है। हम उस वक्त इस वक्त जो है उनके सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंजू वर्मा गई कहाँ, कहाँ गायब है मंजू वर्मा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल अगर कानूनी जानकारों की बात करें तो फिलहाल दो ऑप्शन मंजू वर्मा के पास रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मंजू वर्मा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अपनी जमानत याचिका को लेकर के, और दूसरा विकल्प ये है कि अब जो है वो खुद सरेंडर कर दें। इंतजार इस बात का था कि मंजू वर्मा कम से कम जो बेल पिटीशन है उस पर जो सुनवाई पूरी हुई है उसके बाद फैसला क्या आया है उसके बाद वो अपना अगला स्टैंड क्लियर करती, लेकिन मंजू वर्मा फिलहाल अंडरग्राउंड है। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में कि सुधीर कुमार की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, और जब सुनवाई पूरी हुई तो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी मांगी थी, और जब केस डायरी दी गई बीते 5 अक्टूबर को, उसके बाद फैसला सुरक्षित था। और आज जो फैसला आया है उसमें यही है कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब पुलिस के ऊपर भी दबाव बनेगा कि मंजू वर्मा को जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उनके पति को भी। मुश्किलें केवल मंजू वर्मा की ही नहीं बढ़ी है, मुश्किलें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी बढ़ी है, क्योंकि मंजू वर्मा जेडीयू की सदस्य है, यानी जेडीयू से चुन के वो विधायक बनी थी, लेकिन अब पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो उनसे किनारा कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू जहां अपने नेता को चाहेगा दबाव में कि उनको सरेंडर कराया जाए और कानून की बात और कानून की इज्जत बचाया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून की बात करते हैं और उनका यही एजेंडा था। नीतीश कुमार की पहचान थी कि कानून तोड़ने वाले चाहे वो कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल अब यह उठता है कि नीतीश कुमार के वह पुरानी मंत्री जो कभी मंत्री हुआ करती थी, कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद थी, वह आखिर कब सरेंडर करेंगी, आखिर कब कानून का भय उनके मन में होगा। अमूमन कह सकते हैं कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलते जा रहा है, तो दूसरी तरफ मंजू वर्मा और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जो सीबीआई का जांच का दायरा है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सहयोगी रोहित के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।